प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के परिचय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग द्वितीय इकाई में विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी संदर्भ में आज हम जो अगली अवधारणा है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, जो अगला अध्याय है वो सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया का है। तो आज हम लोग सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन के बारे में बात करेंगे। सामाजिक क्रिया की जहां तक बात है, ये समाजशास्त्र दृष्टिकोण से बड़ी जटिल अवधारणा है, एक सामान्य अवधारणा नहीं है। वो इस संदर्भ में, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि व्यक्ति के द्वारा समाज में जो भी कार्य किया जाता है वो सामाजिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति ने जो भी कार्य किया है वो सामाजिक क्रिया कहलाता है। लेकिन चूंकि हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा सा गहराई से समाज के बारे में, समाज से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बड़ी सारगर्भित जानकारी होना जरूरी है, तो उसी क्रम में हम लोग समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक क्रिया की अवधारणा का अध्ययन आज करेंगे। एक क्रिया होती है, एक सामाजिक क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया का मतलब कर्म से है, एक्शन से है। ठीक है, सामाजिक क्रिया इसीलिए तो बड़ी, हमने कहा ना कि जटिल अवधारणा है, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। सभी प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति यह मानकर चलता है कि व्यक्ति समाज में रहकर जो भी काम करता है वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आता है। लेकिन समाजशास्त्र दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। समाज में व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रिया करता है, यह सही है, लेकिन प्रत्येक प्रकार की क्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक प्रकार का कार्य, प्रत्येक प्रकार की क्रिया समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक क्रिया नहीं है, जिसका कि उल्लेख मैक्स वेबर ने किया है, हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिर सामाजिक क्रिया क्या है? तो पहली बात तो हम लोग सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति समाज में रहकर, सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत रहकर, सामाजिक संदर्भ में जो कार्य करता है उसको हम लोग सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। किसे? कोई व्यक्ति समाज में रहकर एक सामाजिक परिवेश में, एक सामाजिक परिस्थिति में और सामाजिक संदर्भ में जब कोई क्रिया करता है तो उसको हम लोग सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जब कहें कि समाज के सदस्य के रूप में या सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति द्वारा सामाजिक संदर्भ में किया गया कार्य सामाजिक क्रिया है। यानी कोई व्यक्ति समाज में रहे, सामाजिक परिवेश में रहे और प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक समाज की एक सामाजिक परिस्थिति होती है, एक सामाजिक संदर्भ होता है, तो कोई व्यक्ति उस सामाजिक संदर्भ में, उस सामाजिक परिस्थिति में रहकर कोई क्रिया करे तो वह सामाजिक क्रिया किस श्रेणी में आता है। लेकिन सामाजिक क्रिया की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम लोग परिभाषा दें उसके लिए इतना काफी नहीं है। हम और आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बढ़ते हैं? पहली बात तो कोई व्यक्ति हो जो कि समाज में रहे और सामाजिक परिस्थिति में रहकर सामाजिक संदर्भ में कोई क्रिया करे तो वो सामाजिक श्रेणी, सामाजिक क्रिया की श्रेणी में उसको रख रहे। लेकिन एक व्यक्ति समाज में रहकर, सामाजिक परिस्थितियों में रहकर, सामाजिक संदर्भ में दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हुए जब कोई कार्य करता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है उससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। पहली बात तो कोई व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहेगा, एक सामाजिक परिवेश में रहेगा, एक सामाजिक संदर्भ में रहकर कोई क्रिया करेगा, लेकिन जब उसकी क्रिया से कोई दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो उस क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। तो सामाजिक क्रिया को करने के लिए कोई करता हो, कोई व्यक्ति हो, सामाजिक परिस्थिति में रहकर वो कोई क्रिया करे, सामाजिक संदर्भ में रहकर वो कोई क्रिया करे, उसकी क्रिया से दूसरे लोग प्रभावित हो तो उसको हम लोग सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। एक बात, इतना ही नहीं है, हम और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब हम इसको और विस्तार से और इसकी गहराई में जाते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करने वाले ये दूसरे व्यक्ति रूप में या सामूहिक रूप में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, यही सामाजिक संदर्भ या परिस्थिति है।
ठीक है, यानी कि कोई अकेला व्यक्ति ही सामाजिक परिस्थिति नहीं है, अनेक लोगों से मिलकर जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं, या वो व्यक्ति भी दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होता है, उन सबसे मिलकर सामाजिक परिस्थिति का निर्माण होता है और उसमें जो व्यक्ति क्रिया करता है उसको सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। और इस सामाजिक संदर्भ या सामाजिक परिस्थिति में जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं, या दूसरे व्यक्तियों से संबंधित रहते हुए उनके द्वारा उत्पन्न सामाजिक परिस्थिति में जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया एक सामाजिक घटना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति सामाजिक सामाजिक परिस्थिति में रहकर सामाजिक संदर्भ में जब कोई क्रिया करता है तो उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। और आगे बढ़े और कहा कि एक व्यक्ति है जो कि सामाजिक क्रिया कर रहा है, सामाजिक परिस्थिति में रहकर सामाजिक संदर्भ में रहकर सामाजिक क्रिया कर रहा है, लेकिन दूसरों को प्रभावित करते हुए कोई क्रिया कर रहा है, यानी कि अकेले व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया को हम लोग सामाजिक क्रिया नहीं कहते हैं। यानी कि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक लोगों का समावेश होना जरूरी है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रत्येक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, हालांकि समाज अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई है, लेकिन समाज के सदस्य प्रत्येक सदस्य अपने प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों के संदर्भ में कार्य करना पड़ता है, दूसरों के सहयोग से कार्य करना पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों को एक व्यक्ति के संदर्भ में रहकर एक व्यक्ति की सहायता से लेकर अपनी सामाजिक क्रिया को अंजाम देना पड़ता है। यानी कि इन सबसे मिलकर अनेक व्यक्तियों से मिलकर जब ये लोग आपस में एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया करें, उन सबसे मिलकर सामाजिक परिस्थिति का निर्माण होता है। और उस सामाजिक परिस्थिति में जब व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हुए कार्य करता है तो उसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक क्रिया के श्रेणी में रखा जाता है। और कोई भी सामाजिक क्रिया जो है किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर की जाती है। कोई व्यक्ति को एकाएक कोई काम कर देता है या यो ही जाने अनजाने कोई कार्य कर देता है जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो समाजशास्त्र दृष्टिकोण से वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि सामाजिक क्रिया किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर की जाती है। इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर अन्य व्यक्तियों से संबंधित रहते हुए या उनसे प्रभावित होते हुए सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही सामाजिक क्रिया कहा जाता है। अब हम सामाजिक क्रिया की समाजशास्त्रीय अवधारणा की तरफ बढ़े हैं। वो क्या है? पहली बात को कोई व्यक्ति किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर सामाजिक क्रिया करता है, दूसरों से संबंधित रहते हुए और दूसरों को प्रभावित करते हुए कोई सामाजिक क्रिया करता है, ठीक है, किसी सामाजिक परिस्थिति में वह सामाजिक क्रिया करता है, किसी सामाजिक संदर्भ में वह सामाजिक क्रिया करता है, तो व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। तो अब हम सामाजिक क्रिया की मूलभूत अवधारणा तक पहुंचे हैं। जैसे मैं एक बार दोहरा दे कि कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर की जाती है और व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए और सामाजिक परिस्थिति में या सामाजिक संदर्भ में व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए किसी सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक संदर्भ में एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इसके क्रिया की परंपरागत व्याख्या जो है धर्म पर आधारित है, जैसा कि गीता के अनुसार व्यवहार या कार्य करना सामाजिक क्रिया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो मैकियावेली ने पेज ने इसके बारे में कहा है। मैकियावेली पेज का कहना है, मैकियावेली ने सामाजिक क्रिया के संदर्भ में काल्पनिक पुनः निर्माण की बात की और इस रूप में इनकी विचारधारा बहुत कुछ वेबर और वेबर से जुड़ी है। जेनन की एक समाजशास्त्री है, जेननकी ने जो है मूल्यों को सामाजिक क्रिया का आधार माना है। जो सोसाइटी के जो सोशल वैल्यू है, सामाजिक मूल्य, उन सामाजिक मूल्यों को सामाजिक क्रिया का आधार माना है। और जो जेननकी है वे ये मानते हैं कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्य मूल्य है। इन्होंने सामाजिक क्रिया के पांच भाग बताए हैं कि सामाजिक क्रिया को हम पांच भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, एक तो सामाजिक क्रिया का कोई अर्थ कोई मीनिंग होना चाहिए। सामाजिक क्रिया को करने के लिए
कोई व्यक्ति एक या अधिक, यानी कि कोई व्यक्ति कोई क्रिया करे तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। सामाजिक क्रिया को करने वाला कोई कर्ता एक या अधिक होने चाहिए। और तीसरे वस्तु, सामाजिक क्रिया को करने के लिए कुछ वस्तु या साधन की जरूरत होती है। ठीक है, सामाजिक क्रिया को करने की एक पद्धति होती है, मेथडोलॉजी है। इसीलिए तो कहा कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया की जो है एक प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया से तात्पर्य सामाजिक क्रिया से कहा कि एक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करता है। तो व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उससे दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया आती है। तो जेनरे की अनुसार ये पांच भाग या पांच भागों से मिलकर सामाजिक क्रिया का निर्माण होता है। सामाजिक क्रिया का कोई अर्थ होना चाहिए, सामाजिक क्रिया को करने वाला कोई कर्ता एक व्यक्ति एक या अधिक होना चाहिए, सामाजिक क्रिया को करने के लिए वस्तु या साधन होनी चाहिए, सामाजिक क्रिया की पद्धति है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है, उस क्रिया का कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो हम किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से रॉबर्ट मॉर्टन ने संदर्भ समूह सिद्धांत को अपनी सामाजिक क्रिया की अवधारणा का आधार माना है। जब हम लोग सामाजिक समूह की अवधारणा देख रहे थे तब रॉबर्ट मॉर्टन का एक कंसेप्ट आया था, जैसे कि हम जब हम लोग सामाजिक समूह के अलग अलग प्रकार बता रहे थे, जिसमें आपको बताया था कि प्राथमिक समूह होते हैं, द्वितीयक समूह होते हैं, अर्ध समूह या आभासी समूह होते हैं। ठीक, अंतः संबंधों के आधार पर अंतः समूह और बाह्य समूह बनते हैं। वहाँ पर रॉबर्ट मॉर्टन का एक कंसेप्ट था रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह की अवधारणा, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि संदर्भ समूह किसी व्यक्ति के लिए वह समूह है जिसका कि वह सदस्य होता नहीं है, लेकिन अपने आप को मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर, मनोवैज्ञानिक रूप में उस समूह का सदस्य मान लेता है, उस समूह का सदस्य बनने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो सफल और असफल हो सकता है। अगर वो उस समूह की सदस्यता हासिल करने में सफल हो जाता है तो वह उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह नहीं रहता, उसका अपना समूह हो जाता है, और वह इस प्रयास में वह असफल हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए वह समूह संदर्भ समूह बना रहता है। ये अवधारणा रॉबर्ट मॉर्टन की। तो रॉबर्ट मॉर्टन ने जो संदर्भ समूह सिद्धांत की जो अवधारणा है, संदर्भ समूह सिद्धांत को अपनी सामाजिक क्रिया की अवधारणा का आधार माना है, ऐसा रॉबर्ट मॉर्टन की। मेगानर की बात की, जेनरेकी की बात की, रॉबर्ट मॉर्टन की बात की। अब हम अगले इस क्रम में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा को देखेंगे कि सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर के क्या विचार है, जो कि बड़े महत्वपूर्ण विचार है। मैक्स वेबर का ऐसा मानना है, क्योंकि ये दो तीन बातें हम आपके साथ स्पष्ट कर चुके हैं जिनको कि हम लोग संक्षेप में एक बार फिर दोहराते हैं कि पहली बात तो सामाजिक क्रिया के लिए कोई कर्ता कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी सामाजिक क्रिया किसी सामाजिक परिस्थिति में या सामाजिक संदर्भ में होती है, और सामाजिक परिस्थिति से तात्पर्य व्यक्ति आपस में एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करें, एक दूसरे से संबंधित होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, इन सब से मिलकर सामाजिक क्रियाओं का निर्माण होता है। तो व्यक्ति हो एक दूसरे को संबंध एक दूसरे से संबंधित रहते हुए उसको प्रभावित करते हुए सामाजिक परिस्थिति में जब कोई कार्य करते हैं तो उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। मैक्स वेबर जो है सामाजिक क्रिया की अवधारणा पर बड़े गहराई से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि समाज में होने वाले प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है। किसी जड़ वस्तु से संबंधित होकर, किसी जड़ वस्तु से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है, मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार भी सामाजिक क्रिया नहीं है। फिर सामाजिक क्रिया क्या है, अब हम मैक्स वेबर के द्वारा सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। मैक्स वेबर का जो मानना है सामाजिक क्रिया कहने के लिए, वह यह है कि किसी भी क्रिया को हम तब सामाजिक क्रिया कहेंगे जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता एक या अधिक उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाएंगे। क्या बताया कि किसी क्रिया को हम लोग तब सामाजिक क्रिया कहेंगे जब उस क्रिया को करने वाला पहले बात तो कर्ता होने चाहिए, कर्ता एक या अधिक होने चाहिए। ठीक है, और वे कर्ता जो कि क्रिया कर रहे हैं या क्रिया करने जा रहे हैं उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ यानी कि अपनी तरफ से कोई अर्थ लगाए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए
और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, दूसरे लोगों के विचारों का, दूसरे लोगों की क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार कर्ता की वो सामाजिक क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाए। क्या कहा? कि किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहेंगे जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव मीनिंग लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों और क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उस कर्ता की क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी क्रिया को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता, मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता जब तक उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ नहीं लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का, क्रियाओं का समावेश नहीं हो और उन्हीं के अनुसार उसकी क्रिया निर्धारित नहीं हो, तब तक हम उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। तभी तो मैक्सवेल ने कहा, क्या कहा, कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, अनेक लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है, मनुष्य के मानव प्राणी का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है, जड़ वस्तु से किसी पदार्थ से प्रभावित होकर होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, फिर सामाजिक क्रिया क्या है? तो मेक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया को करने के लिए पहली बात कुछ करता हो, वो करता जो कि सामाजिक क्रिया कर रहे हैं, सामाजिक क्रिया करने जा रहे हैं, उस क्रिया का वे अर्थ लगाए कि इस क्रिया का क्या सामाजिक अर्थ है, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश हो, दूसरे कहा ना कि दूसरों को संबंधित होकर दूसरों को प्रभावित करते हुए सामाजिक क्रिया संपन्न होते हैं, ठीक है। कब कहेंगे किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया? जब उस क्रिया को करने वाला करता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, यानी कि अपनी तरफ से कोई सब्जेक्टिव मीनिंग लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का समावेश हो और उन्हीं दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों के अनुसार उस कर्ता की क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहेंगे। आगे जाकर मैं शब्द करते हैं कि व्यक्ति की सामाजिक क्रिया दूसरे लोगों के भूतकाल, वर्तमान काल या भावी व्यवहार से प्रभावित होती है। जो सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर ने बात की वो क्या की, कि सामाजिक क्रिया जो है व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भावी व्यवहार से प्रभावित होती है या हो सकती है। प्रत्येक प्रकार का व्यवहार या प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, अनेक लोगों के द्वारा की जाने वाली सामाजिक क्रिया भी, अनेक लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है। किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं है, किसी जड़ वस्तु से प्रभावित होकर वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। तो सामाजिक क्रिया क्या है? सामाजिक क्रिया वह है जिसमें कोई करता हो, वो करता जो कि सामाजिक क्रिया कर रहा है या करने जा रहा है, उस क्रिया का वो अपनी तरफ से कोई अर्थ लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश हो और उन्हीं दूसरे लोगों के मनोभावों के अनुसार उस कर्ता की क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को मैक्सवेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया कहा जाता है। मैक्सवेबर कहते हैं कि किसी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। कर्ता सिर्फ अकेले कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं बल्कि उसमें दूसरे लोगों के मनोभाव, विचारों का समावेश हो और कर्ता उस क्रिया का अपनी तरफ से कोई अर्थ लगाए। वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान काल और भावी व्यवहार से प्रभावित है, हो सकती है। जैसे कहा ना कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान काल या भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। इसका उदाहरण क्या देंगे? किसी पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया झगड़ा सामाजिक क्रिया। वर्तमान काल एक शिक्षक के द्वारा, एक प्रोफेसर के द्वारा क्लासरूम में जो है नोट्स देना एक सामाजिक क्रिया है, ठीक है। एक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अध्ययन कर रहा है, दैट इज सोशल एक्शन, वो सामाजिक क्रिया है क्योंकि वो व्यक्ति के भावी व्यवहार से प्रभावित है। जड़ वस्तु से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया सामाजिक, यानी किसी पत्थर के मूर्ति के सामने हम घंटों खड़े होकर या बैठकर उसकी पूजा करें, वो सामाजिक क्रिया नहीं। वही पूजा कारण कि दूसरे लोगों के मनोभावों या विचारों का समावेश, वही पूजा अगर किसी ब्राह्मण या किसी पंडित के माध्यम से करवाई जाती है तो उसमें दूसरे लोगों के मुंह कहते हैं कि पुष्प अर्पित करिए, जल अर्पित करिए, धन अर्पित करिए, तो उसके अनुसार कर्ता वो क्रिया करता चाहता है, दूसरे लोगों के मनोभाव उसमें शामिल है, तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया है।
यो घंटों किसी पत्थर के मूर्ति के सामने बैठकर उसकी पूजा आराधना करना सामाजिक क्रिया नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती जब तक कि वह ऐसा वह असामाजिक है, कब तक? यदि वह पूर्णतया जड़ अथवा बेजानदार वस्तुओं से प्रभावित या उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है तो उसको सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। कि धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है, मूर्ति पूजा करें सामाजिक क्रिया नहीं, लेकिन वही जो पूजा नहीं लेकिन ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए मूर्ति पर फूल चढ़ाना सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसमें दूसरे यानी कि ब्राह्मण के मनोभाव का समावेश है। मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं है, वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित हो। जैसे दो साइकिल सवार टकराए, ठीक है, टकराए, अपनी मिट्टी छिड़काई और आपस में एक दूसरे से चल दिए अपने अपने गंतव्य को, वो सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। दो साइकिल सवार टकराए, एक ने कहा कि तूने रॉन्ग साइड में चल रही थी, तूने घंटी नहीं बजाई, दूसरे ने कहा तूने ब्रेक नहीं लगाया, तुम्हारी साइकिल फास्ट थी, और यूं करते करते आपस में गाली गलौज कर ले, गिरेबान पकड़े, उनमें झगड़ा हो जाए, दैट इज सोशल एक्शन, उस स्थिति में वो सामाजिक क्रिया है कह रहे हैं, ठीक है। सामाजिक क्रिया तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और नहीं उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो, यानी कि किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं। व्यक्ति पर कहते हैं कि बारिश का सीजन है, अनेक लोग सड़क पर छाता लेकर निकल रहे हैं, बारिश की बूंदे गिरने लगी, सबने अपना अपना छाता खोल लिया, तो वो एक दूसरे से प्रभावित नहीं, उसको सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक प्रकार से उसको कहा जाता है कि ये सामाजिक क्रिया नहीं है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के तीन तत्व बताए हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि पहली बात तो सामाजिक क्रिया को करने के लिए कोई कर्ता एक या अधिक होने चाहिए। क्या बताया कि सामाजिक क्रिया को करने के लिए कोई कर्ता होना चाहिए। दूसरी बात, कर्ता अपनी तरफ से कोई अर्थ लगाए, यानी कि क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। और तीसरी बात, सामाजिक क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों का विचारों का समावेश होना चाहिए, ठीक है। तो तीन जो तत्व बताए, क्या बताए, पहली बात तो क्रिया करने के लिए कर्ता होता होना चाहिए, कर्ता एक या अधिक हो सकते हैं, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, कर्ता के द्वारा उस क्रिया का अर्थ लगाया जाना चाहिए, और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का विचारों का समावेश होना चाहिए। तो इन तीन तत्व जब तो ये तीन तत्व जब किसी क्रिया में विद्यमान होते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार दैट इज सोशल एक्शन, उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। आगे और हम बात करेंगे, फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू।